Good morning. My name is Deepshali Sharma and I am your EBS teacher in RSPS school. Today our topic is flower. In your book chapter 8 is flower. Okay? You all are seeing the flower. ठीक है ना, सबने फूल देखे हैं, है ना? Different different color, shape और size के flowers होते हैं, ठीक है? लेकिन उनका जो एक स्ट्रक्चर होता है, हर फ्लावर का स्ट्रक्चर यही बेस्ड होता है। इसी तरीके से जब हम फ्लावर का डिसेक्शन करते हैं, तो आप जब फ्लावर को डिसेक्ट करेंगे तो डिसेक्शन में आपको इस टाइप से ही फ्लावर दिखेगा। फ्लावर के इंटरनल पार्ट जो होते हैं वो इसी प्रकार से दिखते हैं। फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड फ्रेग्रेंस, ठीक है? दे ब्लूम इन डिफरेंट सीजन्स, ओके? अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके के फूल जो होते हैं वो खुशबू देते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है? सबसे नीचे जो हम फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। फ्लावर के ग्रीन पार्ट को सेपल बोलते हैं, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर बेस होता है। जो फ्लावर का नीचे का बेस होता है, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर होता है, उसको हम सेपल बोलते हैं। नेक्स्ट, जो कलरफुल पत्तियां आपको फ्लावर में दिखती हैं, वो कलरफुल पत्तियां भी होती हैं, उसको पेटल बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स की डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की पैटर्न्स होती है। किसी फ्लावर की पैटर्न्स छोटी होती हैं, किसी की बड़ी होती हैं। जब आप पैटर्न को एक एक करके बाहर निकालेंगे, तब आपको पैटर्न के अंदर एक नीचे थोड़ा फूला हुआ हिस्सा दिखता है, जिसको हम ओवरी बोलते हैं। और ओवरी से इस तरीके से ऊपर जाती हुई आपको एक स्ट्रेट बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है फ्लावर का, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला एक ऊपर चिपचिपा पार्ट होता है, जिस पर आपको छोटे 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 डॉट्स दिखाई देते हैं, उसे हम स्टिग्मन कहते हैं। और उसका पूरा ये लंबा वाला पार्ट होता है, इसको स्टाइल बोलते हैं। तो स्टिग्मन, स्टाइल और ओवरी से मिलकर पूरा एक जो पार्ट बनता है, इसको क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं। इसके अलावा और छोटे छोटे कुछ आपको इस तरीके से पार्ट दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। जो टू पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसके ऊपर वाला पार्ट को एंथर और बीच बाकी के पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट के थ्रू जो पूरा है स्टेमन है, वो फिलामेंट के थ्रू ओवरी से या फ्लावर से ज्वाइंट रहता है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? फ्लावर्स पाए जाते हैं। और आप जब भी देखेंगे, आपको ये बेसिक पार्ट्स फ्लावर में हमेशा दिखाई देंगे। जैसे कि ये बीच का जो पार्ट होता है, ये पार्ट क्या होता है? फीमेल पार्ट कहलाता है। और ये पार्ट जो होते हैं वो मेल पार्ट्स कहलाते हैं, ठीक है? पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन से होता है कि जो ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ये हवा में उड़ के दूसरे फ्लावर्स पे जाते हैं, या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स के थ्रू दूसरे फ्लावर्स पे जाते हैं, जहाँ क्या होता है? पॉलिग्रेशन होता है और नए फूल